हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुतेज को यूट्यूब चैनल। देन कैसे हो आप सब? आई होप तो आप सब अच्छे होंगे। देन आज हम क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है फसल उत्पादन और प्रबंधन, या आप अपनी बुक में भी लिख सकते हैं। देन इसमें लिखा हुआ है कि पहेली एंड भुजो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। एक पहेली और पूजा नाम के बच्चे थे दो, जो कि अपने अंकल के घर गए कब, जो कि समर की छुट्टियों में, मतलब कि गर्मियों की छुट्टियों में। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, और जो उनके अंकल थे वो एक फार्मर थे, वो एक किसान थे। वन डे दे सो सम टूल्स लाइक, और एक दिन उन्होंने कुछ टूल्स देखे, कुछ चीज़ें दे टूल्स देखे, जैसे खुरपी, सिक्कल, शोवल, प्लग एक्सेट्रा इन द फील्ड। खुरपी जो हम, जब हम जैसे कोई भी चीज़ बोते हैं, हम खुरपी यूज़ करते हैं। सिक्कल का मीनिंग होता है कुदाली, शोवल का मीनिंग होता है फावड़ा, प्लग का मीनिंग होता है हल, और ये अपने फील्ड में वो यूज़ करते थे। और यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। आपने पढ़ा होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी जीवाणु वगैरह होते हैं, उन्हें सबको भोजन की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ओन फूड। क्या आप वापस से दोहरा सकते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, कैसे वो अपना फूड, अपना खाना वगैरह, भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, पशु पक्षियों को लेके हम ह्यूमंस भी, हम इंसान भी, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, हम अपना खाना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, तो आप बताइए कि जो पशु पक्षी होते हैं, एनिमल्स वगैरह होते हैं, वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड, बट मेरे को पहले ये बताइए कि हम भोजन क्यों खाते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम, वन सेकेंड, हम यहाँ पे यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। आप सब जानते होंगे कि जहाँ, हम सब जानते हैं कि जो हमारी एनर्जी होती है वो हम यूटिलाइज कर लेते हैं, जो कि फूड वगैरह से, हम सारे भोजन तंत्र सब पूरा यूटिलाइज कर लेते हैं। ऑर्गेनिज्म भी जो कैरी करते हैं अपने अलग अलग वेरियस आउट द वेरियस बॉडी फंक्शन, जैसे हमारे बॉडी फंक्शंस होते हैं, हमारे जैसे पाचन तंत्र, सच एज डाइजेशन, पाचन तंत्र, रेस्पिरेशंस। और आपने रेस्पिरेशन का लेसन पढ़ा भी होगा, जो कि क्लास 7th में था, एक्सक्रिएशन, कैसे हम उसे पचाने के, अब आपने, हम अपने पचा, अपने खाना पचा लेते हैं, फिर उसके हम एक्सक्रीट करते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम अपना भोजन प्लांट्स से लेते हैं, पेड़ पौधों से लेते हैं, और एनिमल्स लेते हैं, और बोथ, दोनों से लेते हैं। और ये पूछ रहे हैं, सिंस वी ऑल नीड फूड, जैसे कि हम जानते हैं हम सबको भोजन की बहुत ज़रूरत होती है, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर, कैसे हम, मतलब कि ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में, कैसे हम लार्ज नंबर में फूड हम प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर पीपल इन आवर कंट्री, कैसे हम लोगों को, हर किसी लोग को भोजन प्रोवाइड कर सकते हैं। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, फूड जो है, भोजन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, खेती वगैरह की जाती है बड़े से लार्ज स्केल में। देन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, अगर हम देखें कि हम अगर भोजन प्रोवाइड करेंगे, अगर बहुत ही बड़े पैमाने पे रेगुलर प्रोडक्शन करेंगे, हम उसके रेगुलरली प्रोडक्शन करेंगे, प्रॉपर उसकी पूरी अच्छी तरह हम उसकी देखभाल वगैरह करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन इन नेसेसरी, और हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, खेती बाड़ी की, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक, दे वर वांडरिंग इन द ग्रुप्स फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। जैसे कि हम जानते हैं कि 10,000 पुराने BCE में जो कि लोग होते थे,
वो अपना खान भोजन अलग अलग जगह से बना अलग अलग जगह जाते थे और अपने फूज की खानबीन करते होते थे, फूज देखते थे, फूड देखते थे कि कहाँ कहाँ जाते थे, शेल्टर वगैरह बनाते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स, जैसे कि वो कच्चे फ्रूट्स खा लेते थे और वेजिटेबल्स भी खा लेते थे। एंड स्टार्टिंग हंटिंग, और उन्होंने स्टार्ट कर दिया हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और मतलब कि वो एनिमल्स को भी मार देते थे फूड वगैरह खाने के लिए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। देन उसके बाद वक्त बीतता गया और उन्होंने अपने खेत वगैरह में अपने राइस वगैरह उगाने लग गए, वीट उगाने लग गए और अदर फूड क्रॉप्स, और अलग अलग फूड की क्रॉप्स उगाने लग गए, खेती अलग अलग करने लग गए। दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर, और ऐसे ही हमारे एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ क्रॉप। देन जब एक बड़े से पैमाने पे कोई पौधा वगैरह लगाया जाता है, हम उसे हम क्रॉप कहते हैं। देन जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, क्रॉप को हम फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप फॉर वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रो इन द फील्ड आर दैट ऑफ वीट्स। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जो वीट्स वगैरह होते हैं, गेहूँ वगैरह कुछ भी होते हैं, हम प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं फील्ड में, खेत वगैरह में, और दैट ऑफ वीट्स के, जैसे कि वीट के वगैरह के पौधे उगाए जाते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सील्स। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि जो क्रॉप है वो अलग अलग टाइप की होती है। सीरियल्स, जैसे रोटी चावल उसे हम सीरियल्स कहते हैं। वेजिटेबल्स आप सब जानते ही होंगे, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। और ये इनकी भी जो अगर हम इन्हें उगाते हैं तो इनके भी अलग अलग सीजन्स होते हैं, अलग अलग सीजन्स होते हैं जिस टाइप में हम इन्हें उगाते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, जो इंडिया है एक बहुत वास्ट कंट्री है। देन आप सब ये बात तो जानते होंगे, जो हमारा भारत है वो एक बहुत बड़ा विशाल देश है। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, जैसे कि क्लाइमेट की कंडीशन भी देखी जाती है, जैसे कि टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर देखा जाता है, ह्यूमिडिटी भी देखी जा रही है, गर्मी वगैरह देखी जाती है, रेनफॉल देखी, बारिश वगैरह भी देखी जा रही है, देखी जाती है। वेरी फ्रॉम वन रीजन टू ईच टू अनदर, हम देखते हैं अलग अलग रीजन से। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आप सब जानते होंगे कि जो भी क्रॉप्स वगैरह उगाई जाती है, फसल उगाई जाती है, वो अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग जगह, देशों वगैरह में उगाई जाती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू वर्ड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड दिस आर। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि दो ब्रॉड कैटेगरीज होती है क्रॉपिंग की, फसल उगाने की, जो कि दो पैटर्न्स होते हैं जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि है खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप। और मैं आपको ये बता दूं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिए और ये आपको पेपर में आ सकता है और ये आप पूरी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, जो कि बारिश के मौसम में उगाई जाती है क्रॉप्स वो, हाँ जी, जो बारिश के मौसम में क्रॉप उगाई जाती है, फसल उगाई जाती है, उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, जो कि हम देखेंगे जो कि बारिश का मौसम होता है हमारे भारत में वो ज़्यादातर जून से लेके सेप्टेम्बर के बीच में होता है। जैसे कि जो आपके क्रॉप्स हैं उनके एग्जांपल है पैडी मेज़ सोयाबीन ग्राउंडनट एंड कोकोनट आर खरीफ क्रॉप्स। देन जो पैडी होती है वो धान होता है, मेज़ जो कि मक्के के दाने होते हैं, सोयाबीन होते हैं, ग्राउंड नट जो कि मूंगफली होती है, कॉटन जो रुई हो जिसे हम रुई कहते हैं, जिनके ये आपको मैं सब इनकी मीनिंग बता दी है, कॉटन रुई और रुई या फिर जो आप कपास वगैरह बोलते हो, और ये हमारे एग्जाम्पल किसके, खरीफ क्रॉप के। अब बात आती है हमारी रबी क्रॉप के बारे में। अब रबी क्रॉप क्या होती है, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, वो
फसलें जो कि सर्दियों के मौसम में उगाई जाती हैं, जो कि अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने में उगाई जाती हैं, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, जिन्हें हम रबी की फसल कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर, एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे रबी क्रॉप्स के, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड। वीट, गेहूँ वगैरह, ग्राम, चना जिसे हम कहते हैं, मैंने आपको सही बताया था, गेहूँ, वीट, ग्राम, चना, पी, जो मटर वगैरह जिसे हम कहते हैं, मस्टर्ड और लाइन सीड, ठीक है। देन फ्रेंड्स, मेरे को मस्टर्ड कमेंट में बता सकते हो। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, मस्टर्ड सरसों होता है और लाइन सीड अलसी होती है। बिसाइड दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर्स एट मैनी प्लेसेज, जो कि आप देख सकते हैं कि जो पल्सेज वगैरह, दालें वगैरह जो भी होती है, जो वेजिटेबल्स होती है, ज़्यादातर उगाई जाती है गर्मियों के महीने में, ज़्यादातर अलग अलग प्लेसेज पे, अलग अलग जगहों पे। वाई पैडी कैन नॉट बी सोन इन द विंटर सीजन, क्यों? क्योंकि पैडी होती है, जो धान होती है, क्यों? विंटर के सीजन में उगाई जाती है। पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, जो कि पैडी होती है, मीन्स धान जो होती है, वो काफ़ी ज़्यादा उसे रिक्वायरमेंट होती है पानी की। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन, इसलिए ये ज़्यादातर बारिश के मौसम में ही उगाई जाती है। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि कल्टिवेशन होती है, कल्टीवेशन काम किया जाता है क्रॉप्स के, फसलों करने में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे इसमें एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जो कि जो फार्मर्स करते हैं अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम में, अलग अलग समय पे। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दूस कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस, जैसे कि आप देखते होंगे कि आपने देखा भी होगा कि जो ये एक्टिविटीज ऐसी मिले, ऐसी एक्टिविटी जो कि फार्मर्स करते हैं एक्टिविटी, वैसी ही एक्टिविटी आप अपने गार्डन में भी करते होंगे। आप क्या पता, आप पौधे वगैरह उगाते होंगे, जैसे आपने कभी कोई टमाटर की पौधे उगा ली, या फिर आपने फ्लावर वगैरह उगाते होंगे, है ना। और मेरे कमेंट में बताइए कि आप क्या क्या अपने अपनी कैरी में उगाया हुआ है। दिस एक्टिविटी और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर विच आर लिसन ब्लू, जैसे कि आप जानते हैं जो कि ये एक्टिविटीज़ है, ये टास्क है, जो कि रेफर किए जाते हैं इन एग्रीकल्चर को लेके, ठीक है। एग्रीकल्चर कृषि वगैरह की प्रैक्टिसेस के बारे में आपने देखा सुना होगा, जैसे कि फर्स्ट स्टेप हमारा होता है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, पहले हम सोइल को प्रिपेयर करते हैं, फिर हम उसे बोते हैं, सोइंग करते हैं, एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर्स, हम उसके अंदर अपने जो खेती की है, हम उसके अंदर मैन्योर डालते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, फर्टिलाइजर्स भी हम डालते हैं जो कि फैक्ट्रीज में बनते हैं, फिर हम उसकी इरीगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, और हम जो कि ख़राब पौधे होते हैं जिसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब ले लेते हैं, हम उससे हम प्रोटेक्ट करते हैं, फिर हम उसकी हार्वेस्टिंग, हम उसकी फिर कटाई करते हैं, फिर हम उसकी स्टोरेज करते हैं, मीन्स उसे फिर हम स्टोर करके रख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोइल, जैसे हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, अब हम आ चुके हैं फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप हमारे क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सोइल एंड लूज इट, देन इसका मीनिंग है कि जब हम अपने सोइल को प्रिपेयर करते हैं, उसका फर्स्ट स्टेप जो कि पहला स्टेप हमारा होता है, पहले चढ़ाव होता है हमें अपने पौधे को उगाने से पहले, क्रॉप वगैरह को उगाने से पहले, वो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ये होता है कि जो हमारी एग्रीकल्चर है, मतलब कि जो हमारी फसल वगैरह है, हम उसे ऊपर नीचे सोइल से लूज़, हम उसे लूज़ करें सोइल को, क्योंकि हमारी अगर हमारी मिट्टी जो है काफ़ी मोटी सी होगी और मतलब कि गुठले से उसमें पड़े हो गए, तो आपका पौधा उग नहीं सकता, उसमें दरारें नहीं आने चाहिए अगर आप उगा रहे सोइल में, उसे बिल्कुल पोली मिट्टी होनी चाहिए। दिस अलोस द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल, अगर आपकी मिट्टी पोली होगी तो हमारी जो रूट्स है पौधे की, वो काफ़ी नीचे तक, सोइल के नीचे तक जाएंगी।
द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन दे गो डीप इनटू द सॉइल। इसका मतलब है कि जो अगर आपकी मिट्टी पॉली होगी तो फिर जो हमारे जो रूट्स है वो काफ़ी अच्छी मतलब कि बहुत आसानी से वो सांस ले पाएंगी ज़्यादा नीचे तक जाने के बावजूद भी, सॉइल के ज़्यादा नीचे तक जाने के बावजूद। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली, क्यों ऐसा होता है कि जो लूज अगर हम अपनी मिट्टी को पोला करेंगे तो काफ़ी आसानी से हमारी जो रूट्स है वो ब्रीथ कर पाएंगी, वो सांस ले पाएंगी। रूट्स का मीनिंग आप सबको पता होगा, रूट्स का मीनिंग होता है जड़े, ठीक है। द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अगर हमारी मिट्टी पोली होगी तो वो मतलब कि बहुत हमारे लिए आसानी हो जाएंगी कि जो मतलब कि जो अर्थवर्म है ना अपने आप ही ग्रो करने लग जाएंगे और माइक्रोब्स होते छोटे छोटे जीवाणु वगैरह होते हैं जो कि मिट्टी के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं। अर्थवर्म्स आप सबने देखा ही होगा, अर्थवर्म्स हम जैसे कोई भी चीज़ उगाते हैं हमारी कैरी के अंदर भी अर्थवर्म्स होते हैं, आपने देखा ही होगा अगर आपने कैरी के अंदर पौध वगैरह उगाई हुई है तो। द ऑर्गेनाइजम्स आर फ्रेंड द ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूज द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। जैसे कि आप सब जानते हो जो ऑर्गेनाइजम्स होते हैं ये हमारे दोस्त होते हैं, ज़्यादातर फार्मर्स के दोस्त होते हैं, और जैसे कि हम अपने पौध को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं और उसे लूज करते रहते हैं, एकदम पोली बना देते हैं और उसके अंदर हम ह्यूमस वगैरह भी डालते रहते हैं। वैसे जो आप जानते हैं कि जो ह्यूमस होता है ना वैसे उसका मीनिंग धरण होता है। अगर हम और ब्रीफली देखें जैसे कि इसमें सूखी पत्तियाँ होती हैं उसकी जो मतलब कि बिल्कुल खाद से टाइप बन जाते हैं ना उसे हम कहते हैं। बट वाई द सॉइल नीड्स टू वी टर्न एंड लूज इट, मतलब कि हमारी मिट्टी को सॉइल को क्यों ज़रूरत होती है कि हम बार बार उसे पोले करें या फिर ऊपर नीचे करते ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने कोई पौध उगाई है या फार्मर्स ने कोई पौध उगाई है वो बार बार मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहते हैं कि ताकि जो न्यूट्रिएंट्स नीचे बैठे हैं वो ऊपर भी आ जाए, ठीक है। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस, हम यहाँ पे हैं, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट द सॉइल कंटेन्स मिनरल वाटर एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि आप सबने अपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो कि सॉइल है मिट्टी है उसमें काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर मतलब कि उसमें मतलब कि हमारे जो पौध में मिनरल होते हैं, हमारे पौध में पानी भी होता है, हवा भी होती है, सम लिविंग ऑर्गेनाइजम थोड़े थोड़े छोटे छोटे जीवाणु भी होते हैं। इन एडिशन डैट प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन डीकम्पोज बाय द ऑर्गेनाइजम, अगर हमारे हम प्लस मतलब कि बार उगते जाएंगे प्लस होते जाएंगे डेड प्लांट्स या मतलब कि मरे हुए पौधे वगैरह एनिमल्स जो कि डिकम्पोज होएंगे बाय द सॉइल ऑर्गेनाइजम ठीक है। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनाइजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, इसी वे में इस प्रकार जो कि वेरियस अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि डेड ऑर्गेनाइजम्स हैं रिलीज़ करेंगे वापस से सॉइल में, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, देखो अगर आपको कोई जैसे कि आपकी मतलब कि जैसे हम होता है ना काउडंग होता है नहीं सॉरी अगर आप मान के चलो कि जो कि प्लांट है वो एकदम से सुगल सड़ गया है उसके न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल रिलीज हो गए तो वापस से वो न्यूट्रिएंट्स आपके सॉइल में चले जाते हैं जो कि हमारी सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके लिए सॉइल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसके लिए हार्मफुल नहीं होते, बहुत ही अच्छे होते हैं सॉइल के लिए जिससे हमारा प्लांट बहुत अच्छा उगता है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट्स द प्लांट्स टर्निंग एंड लूज ऑफ द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो द प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि जो फ्यू सेंटीमीटर थोड़े थोड़े सेंटीमीटर पे जो कि टॉप लेयर होती है हमारी सॉइल की वो हमें सपोर्ट करती है, काफ़ी सपोर्ट करती है कि प्लांट की ग्रोथ पे प्लांट के ग्रो करने पे, और हम अपने पौधे को टर्न करते रहते हैं बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं, सॉइल को लूज भी करते रहते हैं और काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे सॉइल के अंदर और जो कि हमारे को प्लांट के लिए
प्लांट कैन यूज़ द न्यूट्रिएंट्स, तो हमारे जो पौधे हैं वो उस न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लेते हैं। दस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी पौधे के लिए टर्न मतलब कि ऊपर नीचे के जो हम पौधे को करते हैं ना और लूज़ करते हैं अपने पौधे को पानी वगैरह डाल के, तो वो बहुत अच्छा होता है हमारे क्रॉप्स के उपजाऊ के लिए, कॉफ़ी क्रॉप्स अच्छी होती है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, जो कि प्रोसेस है हमारा लूज़ करने का सॉइल और टर्निंग का, वो है टिलिंग खुदाई वगैरह जिसे हम कहते हैं, प्लगिंग हल जोतना जिसे हम कहते हैं ना। दिस इज डन बाई यूजिंग अ प्लग। प्लग का मीनिंग आप सब जान लीजिए कि प्लग का मीनिंग होता है हल। देन आप सबको पता चल चुका है कि प्लग का मीनिंग हल होता है। दिस इज डन बाई यूजिंग अ प्लग, जैसे कि इस ये किसे डन किया जाता है, प्लग मीन्स हल के जोतने से, ठीक है। प्लग आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जैसे जो कि प्लग हल वगैरह होते हैं वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं हमारी वुड से, हमारी लकड़ी से, आयरन से, लोहे वगैरह से, ठीक है। आपको इतना समझ आ चुका है, मेरे को कमेंट में बता देना कि आपको कोई भी दिक्कत हो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर हमारी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग, मतलब कि आपको पहले उसे पानी वगैरह देना होगा, जिस उसके बाद आपको हल जोतना होगा। अगर आप पहले हल जोतेंगे तो उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ आएंगी आपको जोतने में, इस करके पहले आपको पानी छिड़काव करना पड़ेगा, एन अच्छी मोट पुलपुली सी मिट्टी हो जाएंगे, उसके बाद आप यूज़ करेंगे प्लग का हल का। दिस प्लग फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ द सॉइल कॉल्ड क्रम्स। जैसे आप जानते हैं कि जो कि अगर हम प्लग से हम हल जोतेंगे तो उसमें ना काफ़ी सारे बड़े बड़े गट्ठे से आएंगे, और जो कि हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और उसे हम क्रम्स कहते हैं, ठीक है। देन इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट है कि हम इन क्रम्स को, इन गट्ठों को हम तोड़ें, ठीक है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। हमें अपनी मतलब कि जो अगर हमें सॉइल है ना उसे बिल्कुल सीधा रखना है, हमें बिल्कुल सीधा रखना है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए हमारी फील्ड है जो, वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, बहुत मतलब कि प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और जो हम बीज बोते हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है, और इससे हमारी जो कि इरीगेशन हमारी सिंचाई है वो बहुत अच्छी तरह होती है। लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ और लेवलर, जो कि लेवलिंग की जाती है ना, मतलब कि पूरी सीधी समेत की जाती है ना, वो किससे डन की जाती है, वो एक लेवलर से डन की जाती है, ठीक है। समटाइम्स मैन्यूर इज एडिड सोइल, मैन्यूर इज एडिड टू द सॉइल बिफोर टीलिंग, खेत जोतने से पहले हम मैन्यूर वगैरह कभी कभार डाल देते हैं। दिस हेल्प्स इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द मैन्यूर विद द सॉइल, और ये हमारे हेल्प करता है, ये हमारी हेल्प करते हैं कि हमारी प्रॉपर अच्छी तरह मिक्स हो जाए हमारी मैन्योर और हमारे सॉइल। मैन्योर का मीनिंग होता है खाद, ठीक है। द सॉइल इज़ मॉइस्चराइज बिफोर सोइंग, और जो कि हमारा जो सॉइल है ना वो मॉइस्चराइज हो जाता है सोइंग से पहले, बीज बोने से मॉइस्चराइज, जैसे नमी भरा हो जाता है उसे मॉइस्चराइज करते हैं, ठीक है। देन अब आगे हमारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में हमारे पूरा आएंगे इसमें। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्रम्स टू गेट बेटर यील्ड, अगर हम कोई बीज बो रहे हैं तो काफ़ी नेसेसरी है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हम अपने सॉइल के गट्ठों को पहले हम तोड़ लें उगाने वगैरह से पहले, ठीक है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, ये काफ़ी सारे मतलब कि अलग अलग प्रकार के टूल्स होते हैं जिससे ये किया जा सकता है। यस दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, ये काफ़ी अलग अलग प्रकार के टूल्स होते हैं जिससे ये मतलब कि किए डन की जा मतलब कि पूरी अच्छी तरह हो जाती है। द मेन टूल इज़ यूज फॉर दिस पर्पस आर प्लग हो एंड कल्टिवेटर, इसके लिए मतलब कि ज़्यादातर यूज़ जो किया जाता है, प्लग मीन्स हल और एक हो होता है जो के लिए यूज़ किया जाता है, और एक कल्टिवेटर भी होता है, एक सेकेंड, हाँ कल्टिवेटर भी होता है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ हो क्या होता है, एक सेकेंड।
देन ये होता है हमारा हो, ठीक है। कल्टीवेटर ये होता है जैसे कि जो एक ड्राइवर होता है उसके पीछे, ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है, जिसे हम सीड ड्रिल कहते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार से जोता जाता है, ठीक है। यस, देन हम वापस आ जाते हैं। और प्लग ये होता है, प्लग हल होता है जैसे हम हल को कहते हैं, ये है प्लग, ठीक है। ये प्लग का डायग्राम भी बना हुआ है। देन हम, और ये मैंने आपको बता दिया कि किस किस चीज़ से डन किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लग के बारे में, हम मेन अब हम आ गए हैं प्लग के बारे में, मीन्स हल के बारे में, ठीक है। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एशियन टाइम्स फॉर टीलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप्स, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। कि ये काफ़ी पहले से ही, पहले के जो एशियन पीरियड से, एशियन टाइम से ही चला आ रहा है, हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, टीलिंग का, ये जोतने वगैरह का सॉइल को, और जो फर्टिलाइज़र जो कि फैक्ट्रीज में बनते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह डालने का और हमारी क्रॉप में, हमारे पौध में, और रिमूव करने का वीड्स, वीड्स जो मतलब कि फालतू के पौधे होते हैं उन्हें हटाने का, और टर्निंग द सॉइल, और हमारे मतलब कि जैसे कि होता है ऊपर नीचे करना, टर्न करना सॉइल को, ठीक है। आई होप सब आपको ये सब कुछ जो मैं समझा रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा। दिस इज मेड विद द वुड एंड इट इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स एंड अदर एनिमल्स, हॉर्स एंड कैमल्स। ये जाता किया किससे जाता है, एक वुड होता है ये जिसमें ड्रॉ किया जाता है, एक पेयर होता है दो बुल्स का, जो कि अभी देख सकते हैं, ऐसे कि इसमें आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, डायग्राम 1.1 में, ठीक है। किसकी हेल्प से किया जाता है ये, बुल्स की भी हेल्प से किया जाता है, कैमल्स की, और ये हॉर्सेस की, घोड़े वगैरह की, ठीक है, ऊँट वगैरह बुल्स की, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि इसमें मैं आपको शायद आज मैं पूरा ही चैप्टर आपको समझा दूँ, अगर चैप्टर पूरा फुल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको कल परसों तक इसकी वीडियो नेक्स्ट पार्ट दे दूँगी। देन ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो चुकी है, बट नो प्रॉब्लम, हम इसे पूरा चैप्टर ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, और आप मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। देन इसमें कहा गया है, इट इज़ कंटेन्ड स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप एंड प्लग शेल। और ये किससे की जाती है, काफ़ी मजबूत ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है, और उसे हम क्या कहते हैं, प्लग शेल, ठीक है। मैं आपको उसकी पिक भी अभी दिखाती हूँ, ये देखो, ये होता है प्लग शेल, ये जो बना हुआ ना ये आइकन, ठीक है, ये प्लग शेल होता है, ओके। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो इसे पढ़ने में, कुछ भी आ रहा प्रॉब्लम, तो हम इसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देन द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज अ लॉन्ग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लग शाफ्ट। और एक जो मेन पार्ट होता है इस प्लग का, मीन्स हल का, हाँ जी, जो ये मेन पार्ट होता है कि प्लग इस हल का, एक लॉन्ग सी वुड होती है, बड़ी सी लंबी सी वुड होती है, जिसे हम प्लग शाफ्ट कहते हैं। एक तो प्लग शेयर मैंने बताया, प्लग शाफ्ट क्या होती है वो भी देख लेते हैं। देन ये होती है प्लग शाफ्ट, ये बड़ी सी डंडी है ना वुड की, इसे हम क्या कहते हैं, प्लग शाफ्ट, जो कि आपको इसमें पूरे में, ये देखो पूरे इसका पूरा, अगर हमें देखे इसका पूरा ढांचा कहते हैं, वो ये है, देख सकते हैं आप पूरा, ठीक है। हम कम बैक देन देर इज़ अ हैंडल इन वन एंड ऑफ द शाफ्ट। और यहाँ पे भी एक बड़ा सा एक हैंडल होता है इस शाफ्ट में। द अदर एंड अटैच टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और एक बीम होती है अदर एंड पे अटैच की जाती है, एक बीम जो कि प्लेस की जाती है बुल्स के नेक पे, ठीक है, नेक मीन्स गर्दन पे, ठीक है। वन पेयर ऑफ द बुल्स कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग, मतलब कि एक पेयर का जो बुल्स का ग्रुप, मतलब कि बुल्स होती है वो मैन जो कि ईजिली ऑपरेट कर लेता है, ऑपरेट द प्लग, ठीक है, मतलब कि जो हल को जोत लेता है। देन द इंडिजीनियसली वुड प्लग इज इंक्रीजिंगली बींग रिप्लेस बाय आयरन प्लग नोवर्स, ठीक है, जो कि वुड के द्वारा प्लग हल के द्वारा जो कि
इंक्रीज हो रहा है, रिप्लेस हो गया आयरन प्लग आ गए हैं हमारे अब नवे में, नवे नवे अब आगे हैं, काफ़ी सारे टूल्स भी आ चुके हैं अब आप देख सकते हैं। यस अब बात बारी आती है हॉकीज की, मैं पिक्चर आपको पहले दिखा दी थी, इट इज़ अ सिंपल टूल। और अगर आपको हॉकी पिक्चर देखनी है वो 1.1 में है बी पार्ट में, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजिंग द सॉइल। ये एक काफ़ी सिंपल सा टूल होता है रिमूव करने के लिए वीड्स, जो खराब पौधे वगैरह होते हैं उसे रिमूव करने के लिए और हमारे सॉइल को लूज करने के लिए, पॉली करने के लिए मिट्टी को, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि वीड्स क्या होते हैं, वीड्स जो है बता रही हूँ खराब पौधे में देखिए फालतू के पौधे, जैसे कि अगर आपने कोई पौधे उगाई है, ठीक है, आपने कोई कोई भी फ्लावर उगाया उसके साइड्स में ना, जैसे आपने कोई भी आर्टिफिशियल टाइप कुछ अच्छा अच्छा सा फ्लावर उगाया और उसके साथ में कोई पत्तियाँ वगैरह आ जाती है ना फालतू की, जिससे कोई ज़रूरत नहीं हो, पता क्या करती है वो आपके जो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स होते हैं ना उस प्लांट के, वो सारे अब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। इट इज़ इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ द वुडन आयरन, अ स्ट्रॉन्ग रॉड बेंड प्लेट ऑफ द आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड एंड, जो कि अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो एक लॉन्ग सी रोड होती है वुड की भी होती है और आयरन की भी होती है, जो कि स्ट्रॉन्ग बहुत होती है, मजबूत होती है, और एक रोड सी भी होती है मोटी सी जो कि बेंट होती है और फिक्स होती है वन ऑफ द एंड्स एंड वर्क लाइक अ ब्लेड इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, जो कि ऐसी ब्लेड मतलब कि वर्क करती है जैसे कि कोई तिक्खा सी ब्लेड होती है ना उस टाइप से भी, और ये खींची किसके द्वारा जाती है, एक द्वारा किसके द्वारा जाती है एनिमल्स के द्वारा, पशु के द्वारा, ठीक है। ये आपका होती है हो, जो आपको अभी डाइग्राम में हम देख सकते हैं 1.1 में जो कि बी पार्ट में है हो का डाइग्राम। देन अब बारी आती है कल्टीवेटर की, ठीक है। नाउडेज प्लगिंग इज डन बाय अ ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, द यूज़ ऑफ द कल्टीवेटर सेव्स द लेबर एंड टाइम। देन इसमें कहा गया कि आपके समय में आप देखेंगे जो कि प्लगिंग होता है वो डन किसके द्वारा की जाती है, जो ये खेत जोतने वगैरह किसके द्वारा की जाती है, ट्रैक्टर के द्वारा की जाती है, ठीक है, आपके समय में जो कि ड्राइवन करते हैं कल्टीवेटर के द्वारा, और जो कि ये कल्टीवेटर के द्वारा की जाता है, और ये हमारे जो कि हमारा ये समय की भी बचत होती है और हमारे जो लेबर है इसमें काफ़ी कम लगते हैं, इसमें सिर्फ लेबर भी इसमें कम लगते हैं, ठीक है, जो आप देख सकते हैं कल्टीवेटर ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर, ठीक है। देन अब इसके बारे में ख़त्म होते हैं, ये बाया है हमारा सोइंग का, हमने भी पढ़ लिया है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मैंने आपको सारा अच्छी तरह समझा दिया है, अब आ रही है ये है सोइंग की। और आप जो अपने मैंने आपको सुनाया था कि ये सारा जो एग्रीकल्चर का जो कि आपको मैंने पूर्व बताया प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्यूर फर्टिलाइजर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आपको पूछा जा सकता है कि क्या क्या है उसमें, आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, ठीक है। चलो सोइंग के बारे में अब कैसे हम सीड को बोते हैं, सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, जो कि सोइंग है बीज बोना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी क्रॉप का, क्रॉप की प्रोडक्शन का, ठीक है। बिफोर सोइंग यस बिफोर सोइंग अ गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आई सेलेक्टेड, जो कि अगर हम कोई भी देखें कि अगर हम कोई भी सीड को उगाएंगे अगर वो अच्छी क्वालिटी का होगा, साफ होगा और स्वच्छ होगा, हेल्दी भी होगा वो सीड, सॉरी यस वो फोन पे हाथ लग गया था, देन अगर वो अच्छी क्वालिटी का होगा सीड और वो बहुत अच्छा क्वालिटी का होगा, वैरायटी भी उसकी बहुत अच्छी होगी सीड्स की, जो कि फार्मर सेलेक्ट करते हैं अच्छे अच्छे, और फार्मर प्रेफर टू यूज सीड विच गिव अ हाई यील्ड, फार्मर ज़्यादातर वही प्रेफर करते हैं सीड जो कि काफ़ी ज़्यादा पौधे उगाने हमारी मदद करे। देन यस हमने चैप्टर में भी हमने सोइंग से हमने स्टॉप की थी वीडियो, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है सोइंग का, कोई भी अच्छी क्वालिटी का हम सोइंग मतलब कि कोई भी अच्छी क्वालिटी का हम कोई बीज बोएंगे और उसे उगाएंगे, जो कि फार्मर भी प्रेफर करते हैं ज़्यादातर अच्छी क्वालिटी का सीड्स हो जिससे हमारी बहुत अच्छी खेती हो। एक दिन पर इन्होंने पूछा कि अपनी मदर से कि जो सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल फॉर
some water on them. After a few minutes, some seeds started floating on the top. I wondered why some seeds can float on water. कि जैसे कि मेरी मम्मा ने कोई ग्राम के चने वगैरह कुछ भी उगाए होंगे, तो कुछ ही दिन देर में वो कुछ सीड्स फ्लोट करने लगे ऊपर की तरफ, और मैं उसे देखने के बाद काफ़ी अचंभित हो गई. देन और मेरे को बताइए कि ये पहले ने कहा है, बूजो ने कहा है, टेक अ बीकर एंड ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं 1.1 की. ठीक है, फिलहाल हम लेसन पढ़ेंगे. आर द सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, जो कि सीड्स हैं जो कि पानी के ऊपर तैरते हैं, विल दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, मतलब कि जो के जो लाइटर है वो तो ऊपर तैरने लग जाएंगे और जो हल्के हैं वो ऊपर तैरने लग जाएंगे और जो भारी हैं वो नीचे डूब जाएंगे, सिंक कर जाएंगे. ठीक है, वाई वुड दे बी लाइटर, ये इतने हल्के से क्यों होते हैं. डैमेज सीज बिकम हॉलो एंड दस लाइटर, जो कि डैमेज होते हैं ना वो ना इसलिए ही वो हल्के होते हैं. होलो मीन्स होता है खोखले, अगर कोई अंदर से खोखले है ना सीड, इसी करके वो लाइटर है और जो वो ऊपर आ जाएगा, फ्लोट ऊपर करने लग जाएगा. ठीक है, दस दे फ्लोट ऑन वाटर, दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज, और ये काफ़ी अच्छा मेथड है सेपरेट करने का सीड कि वो अच्छा है सीड और कौन सा मतलब कि डैमेज सीड है, कौन सा खराब सा सीड है. और ये आप अपनी मदर को भी बता सकते हैं कि आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं. अगर आपने कोई जैसे चने वगैरह भिगोए हैं या राजमा वगैरह भिगोए हैं ग्राम्स में, तो आप देखेंगे कि आपने कोई आपने उसे भिगोया पानी में और वो जो ऊपर तैरने लगे आप समझ जाएंगे कि वो खोखले हैं, और जो नीचे से बैठ के नीचे तो आप समझ जाएंगे वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के और गुड है और वह हेल्दी भी है. ठीक है, बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आंसर्स नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग. अगर हमने पौधे मतलब कि पौधे मतलब कि कोई भी चीज़ को सो करने से पहले हमें ये भी जानना जरूरी है कि कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं किसी भी सीड को सो करने के लिए. ठीक है, यस, ट्रेडिशनल टूल, जैसे कि हम जैसे बात करते हैं अब ट्रेडिशनल के टूल, आज के ज़माने के टूल नहीं सर, पहले के ज़माने के टूल्स जो कि हम बात करते हैं, द टूल्स यूज फॉर ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप लाइक अ फनल, जो कि पहले के ज़माने की हम बात करेंगे, जो कि सो करे जाते हैं सीड्स, वो शेप लाइक उनकी जो सोइंग की जो शेप है ना वो लाइक होते हैं फनल से होता है ना, जैसे फन टाइप सब जिसमें बोलते हैं. द सीड्स आर फिल्ड इन टू द फनल, जो कि एक फन से होता है उसके अंदर हम उसके अंदर सीड्स पूरी अच्छी तरह भर देते हैं. एंड पास डाउन थ्रू टू और थ्री पाइप, और दो या तीन पाइप की सहायता से हम उसे नीचे पहुँचाते हैं. Then having a sharp end, these ends pierce into the soil and place seeds there. ठीक है, और इस सोल करते जाते हैं और वहाँ पर अपना पूरा प्लेस वगैरह ले लेते हैं. ठीक है, जो कि आपको उसमें फिगर 1.2 में बताया जाएगा कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग पहले के ज़माने में कैसे क्या है सोइंग की जाती थी. और ये आप देखिए कि ये देखिए एक फनल सी है, इसे हम फनल सी कहते हैं, पाइप सी है ना, एक फनल फन टाइप पाइप है. और ये देखिए पाइप जा रही सी थी, कैसे पौधे नीचे नीचे जा रही है ना, और ये कितनी पोली मिट्टी आप देख सकते हो, कैसे पोली पोली सी मिट्टी सी लग रही है ना आपको दिखने में पता चल रहा है. देन नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट करते हैं. देन यस, अब बात की जाती है फिगर 1.2 की, जो कि अब सीड ड्रिल. ठीक है, सीड ड्रिल वो तो ट्रेडिशनल मेथड का था, अब के समय में क्या क्या यूज़ करें. सीड ड्रिल जो कि ट्रैक्टर के पीछे लगाई जाती है, मैं आपको इसकी इमेज भी दिखा देती हूँ, ये इस टाइप से होती है जो कि ट्रक के पीछे सीड ड्रिल लगाई जाती है. ओके, नाउ डेज द सीड ड्रिल, जो कि आपके समय में देखी जाएगी, जो कि सीड उगाने की जो चीज यूज़ की जाती है, जो कि फिगर 1.2 में बताई गई है, ये यूज़ फॉर सोइंग, ये किस लिए यूज़ की जाती है, हमारे पौधे बीज को बोने में, जो कि किसकी सहायता से की जाती है, जो कि ट्रैक्टर्स की सहायता से की जाती है. दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से उगाई जाती है, जैसे कि
थोड़े थोड़े डिस्टेंस में उगाई जाती है और ये काफ़ी डीप भी उगाई जाती है, जिस वजह से कोई क्रो या फिर जो कि पशु वगैरह होते हैं, मतलब कि जैसे कि पंछी वगैरह होते हैं ना, वो ताकि बीज खाना ले, जैसे कि हम बाहर कनक वगैरह कुछ खाते हैं तो कैसे पंछी आ जाते हैं, कबूतर वगैरह खाने लग जाते हैं ना, तो इस करके वो सीड किस लिए डीप इसलिए उगाए जाते हैं ताकि पंछी आके उसे खाना ले। इट इंश्योर्स दैट द सीड गेट कवर्ड विद सॉइल आफ्टर सोइंग। ऐसे पता चलते हैं कि कैसे मतलब कि उसकी वजह से अब ट्रैक्टर से पूरा से खोद दिया है सीड ड्रिल की हेल्प से, जैसे उन्होंने पूरा से खोद दिया सीड ड्रिल की हेल्प से, देन फिर अब तो हमने गीत कर दिया, बट फिर उसके बाद वापस ट्रैक्टर बैक किया जाता है और पूरा मतलब कि अच्छी तरह कवर उसे कर दिया जाता है जो सोइंग करने के बाद, और जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं सीड्स को आफ्टर बींग ईटन बाय बर्ड्स, जो मैंने आपको बता ही दिया कि हमें प्रोटेक्ट करते कि बर्ड्स वगैरह ना खा लें। सोइंग देन सोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल सेव्स देम सेव्स टाइम एंड लेबर, जो कि अगर हम सीड ड्रिल की हेल्प से अगर हम बीज को बोते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इससे हमारा समय की बचत होती है और हमारी लेबर भी कम लगती है। यस देर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल, यहाँ पर मेरे स्कूल के पास में ही एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर कैप्ट इन अ स्मॉल बैग्स, मैंने देखा कि छोटे छोटे बैग्स में छोटे छोटे प्लांट्स पड़े हुए हैं। Why are they kept like this? और इन्हें ऐसा क्यों कैप ऐसे इन्हें क्यों स्टोर किया जाता है, ऐसे क्यों मत की पॉलीथिन में से क्यों बैग में क्यों ऐसा किया जाता है? Seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery. Seeds से कि हम कुछ plants के थोड़े थोड़े पौधों के जो किसी की पैडी वगैरह होगी धान वगैरह से कहते हैं जो कि नर्सरी में उगाए जाते हैं, व्हेन दे ग्रो इनटू द सीडलिंग, जब इन्हें सीडलिंग में डाला जाता है, जैसे भी इन्हें सीडलिंग में डाला जाता है दे ट्रांसप्लांटेड इनटू द फील्ड मैन्युअली, सम फॉरेस्ट प्लांट्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रो इन नर्सरी, जैसे कि हम देखिए कि इसे डाला जाता है फील्ड में मैन्युअली, जो कि ये फॉरेस्ट वगैरह में उगाए जाते हैं और ये काफ़ी फ्लावरिंग से प्लांट होते हैं जो कि नर्सरी में आपको देखने को मिल जाएंगे। नर्सरी में आप जब अगर आप गए हो, मेरे ही पास में नर्सरी है, मैं वहाँ पे जाती रहती हूँ शहर के बहाने भी और वैसे भी घूमने के लिए, तो काफ़ी अच्छे वहाँ पे पौधे होते हैं, कितने सुंदर सुंदर होते हैं। अगर आप नहीं गए हैं तो वहाँ ज़रूर जाइए, नर्सरी आपकी जो भी नियर पड़ती है। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर पौधे उगाने चाहिए जो कि बहुत नेसेसरी होता है, और हमें ये अवॉइड करना चाहिए कि हम ओवर क्राउडिंग प्लांट्स हैं, मतलब कि बिल्कुल झुंड में नहीं आप पौधे लगाएं, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लगाएं, जैसे कि अगर आपने एक पौधा यहाँ लगाया है तो दूसरा पौधा आप यहाँ लगाइए और तीसरा यहाँ, थोड़ी थोड़ी हमें इक्वल इतने डिस्टेंस की बहुत ज़रूरत होती है पौधे को भी उगने में। अगर हम बिल्कुल ही मतलब कि जैसे कि अगर हम बिल्कुल पास में ही लगा देंगे, जैसे कि हम बिल्कुल इतने डिस्टेंस भी नहीं छोड़ेंगे तो काफ़ी ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से पौधों को जगह भी नहीं मिल पाएंगे और वो पूरी अच्छी तरह ना सनलाइट ले पाएंगे ना न्यूट्रिएंट्स ले पाएंगे, तो हमारे पौधे के लिए नुकसानदायक है। ऑल्सो प्लांट्स टू गेट सफिशेंट सनलाइट न्यूट्रिएंट्स वाटर फ्रॉम द सोइल, और मैं जैसे आपको बताया अभी, मैंने पढ़ने से पहले ही आपको सर बता दिया, और यही है जो भी मैंने आपको बताया, सनलाइट नहीं पाएंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं पाएंगे, वाटर नहीं पाएंगे जो कि सोइल से, ठीक है, मिट्टी से। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, इसलिए सभी समय पर थोड़े थोड़े प्लांट लगाए जाते हैं, हैव टू जब उसे रिमूव कर देते हैं जिस वजह से ओवर क्राउडिंग ना हो सके, टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, ठीक है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, देन हमने क्या क्या पढ़ लिया, प्रिपरेशन ऑफ सोइल पढ़ लिया, सोइंग पढ़ लिया, और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर सबसे ईजी है मेरे हिसाब से, कौन सा आपके काफ़ी आसान है, आपको ईजीली समझ भी आ जाएगा। सोइंग का आपको कैसे लगा, प्रिपरेशन ऑफ सोइल का कैसे लगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।
देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, हम कैसे अपने पौधे में मैन्योर खाद डालते हैं या फिर फर्टिलाइजर जो कि फैक्ट्री में बनता है, ठीक है। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एक सब्सटेंस होता है जो कि हम ऐड करते हैं हमारी सोइल में, वो जैसे कि हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, जिस वजह से वो अच्छी ग्रो कर सके हमारा प्लांट। जैसे कि हम दो ऑप्शन होता है, या तो मैन खाद वगैरह डालें या फर्टिलाइजर डालें जो कि फैक्ट्रीज में बनता है। आई सो अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, मैंने देखा कि काफ़ी अच्छी फसल उगी हुई है एक फार्म में। इन द नेबर बोइंग अ फार्म द प्लांट वर वीक, मतलब कि जो कि बिल्कुल पास पास में उगाए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक है प्लांट। Why do some plants grow better than others? क्यों दूसरे वाले प्लांट्स अच्छे उगे हैं और कोई अच्छे नहीं उगे, ऐसा क्यों है? जो बिल्कुल पास पास में वो अच्छे नहीं उगे, दूर हैं वो अच्छे उगे, ऐसा क्यों है? Yes. Soil supplies minerals nutrients to the crop plants. So जो हमारी मिट्टी है वो हमें सप्लाई करती है क्या क्या minerals nutrients हमारी पौध को और crop plant to the crop plant हमारी पौधों वगैरह को, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो कि ये न्यूट्रिएंट्स हमारे पौधे की ग्रो के लिए बहुत ही ज़्यादा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं। इन द सर्टेन एरियाज द फार्मर्स ग्रो द क्रॉप, यस हम काम में बता देती हूँ, यस इन द सर्टेन एरियाज द फार्मर ग्रो द क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर इमेजिनेशन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स। यस मैं बताती हूँ इसका मीनिंग, जो कि हम देखेंगे अलग अलग जगहों पर जो कि फार्मर्स ग्रो करते हैं हमारे फसलों को, जो कि फसल होती है वो सेम ही फील्ड में उगाई जाती है। द फील्ड इज नेवर, यस वन सेकेंड, यस मैं बताती हूँ, हम अलग अलग जगह पे देखते हैं कि जो फार्मर्स ग्रो करते हैं क्रॉप को सेम उसी फील्ड में, जो कि नेवर अनकल्टिवेटेड और फॉर फैलो, जो कि कभी भी कल्टिवेटेड भी होते हैं और फैलो भी नहीं होते। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स, और आप सोचिए कि उन न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या हुआ होगा। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स मेक द सोयल पुअर इन द न्यूट्रिएंट्स, अगर हम लगातार एक क्रॉप उगाएंगे तो हमारे जो कि न्यूट्रिएंट्स हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। देयरफॉर फार्मर हैड टू ऐड मैन्योर, और फार्मर्स फिर मैन्योर भी डालेंगे टू द फील्ड्स टू रिप्लिश द सोयल विद न्यूट्रिएंट्स, अगर हम मैन्योर फार्मर जब मैन्योर डाल दें तो वापस से उस सोयल में वापस से न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैन्योरिंग कहते हैं। आप सभी को पता ही होगा इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम इस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इफिशियंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन अ वीक प्लांट, इसका मीनिंग है कि जो इम्प्रॉपर से और इफिशियंट प्लांट होते हैं उसे मैन्योर डालें तो रिजल्ट इन वीक प्लांट्स में ही पड़ेगा, ठीक है, वीक प्लांट्स रहेंगे, ठीक है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैन्योर जो है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि ऑब्टेन किया जाता है डिकम्पोजिशन से और प्लांट वेस्ट से, जैसे कि प्लांट की जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक मेथड है जो कि किससे प्राप्त किया जाता है, एनिमल्स के वेस्ट से और प्लांट के वेस्ट से, ठीक है। फार्मर डम एनिमल की वेस्ट से कैसे, जैसे कि आप देखेंगे कि जो काऊ होता है, काऊ डंग है, वो का डीकम्पोज हो जाता है और उसके बाद वो क्या किसकी मतलब कि किसकी में आ जाता है, वो खाद में आ जाता है, या फिर पत्ते सूख गल जाते हैं तो वो खाद में ही बन जाते हैं, मैन्यूर में ही बन जाते हैं, ठीक है। फार्मर डम प्लांट अंडर एनिमल वेस्ट इन द पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलो इट टू डिकम्पोज, जो कि फार्मर थोड़े से जगह पर गड्ढे बनाते हैं ना उसमें ये चीज़ें डाल देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं,
ठीक है, जिसे मैंने वगैरह बन जाता है ना, द डिकम्पोजन इज कॉज्ड बाय द सेम द सम माइक्रोग्राइजम। डिकम्पोज क्या रहता है ये, किसकी वजह से कहते हैं, छोटे छोटे माइक्रोग्राइजम। द डिकम्पोज योर मैटर इज यूज एज ऑर्गेनिक मैटर से भी किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द वर्मी कम्पोजिशन इन क्लास, किसमें किया आपने, क्लास सिक्स में, ठीक है। देन फ्रेंड्स, जो इसका ये अगला पेज है, मैं अभी काफ़ी लेंथी हो चुकी है वीडियो, देन मैं अभी इतनी भी स्टॉप कर देती हूँ, बाकी का आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, अगर आपको अच्छा इंटरेस्ट आया और ये अच्छा लगा हो चैप्टर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कमेंट करना मत भूलेगा। और जो मैंने कहा ना कि बूजर पहली में से कौन बूजर कौन पहली में, कुछ ज़रूर कमेंट पे बताइएगा, ठीक है। ये आपके लिए ओनली एक छोटा सा ऐसे क्वेश्चन सेट, ओके, मेरे को वैसे पता है पर मैं वैसे आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया है ना, एक चीज़ आपको, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, वो आपके पेपर में भी आ सकती है। यस, आपसे पूछा जा सकता है कि भी एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस में जब हमने इसमें पढ़ा, आपको बताइए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इसमें 7 स्टेप्स होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोयल, सोइंग, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ये मैंने आपको सारे मीनिंग इसके बता दिया है वीडियो में, आप वीडियो बैक करके भी सारे सुन सकते हैं मीनिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट माई, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल, धन्यवाद एंड स्टे ट्यून्ड।